गन्ना किसान और उनके बकाया भुगतानों को लेकर यूपी में हमेशा से सियासत होती आई है। अक्सर विपक्षी पार्टियां गन्ना किसानों के मुद्दों को लेकर विधानसभा के अंदर तक हंगामा मचाते आए हैं, लेकिन 3 साल पहले गन्ना किसानों को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री ने जो वादा किया था उसे पूरा करने में योगी सरकार ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये यूपी सरकार दावा कर रही है। कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गन्ना किसानों की बकाया राशि बटन दबाकर उनके खाते में 418 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए। शासन की ओर से मिली जानकारी के अनुसार गन्ना किसानों के खाते में 418 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। योगी सरकार का दावा है कि गन्ना किसानों के खाते में 418 करोड़ रुपए के भुगतान के साथ ही पिछली सभी सरकारों के रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में गन्ना किसानों के बकाया 95,215 करोड़ का भुगतान किया गया था। दावा किया जा रहा है कि 418 करोड़ रुपए के भुगतान के साथ योगी सरकार के कार्यकाल में गन्ना किसानों को भुगतान की गई बकाया राशि 1,325 करोड़ पहुंच जाएगी। गन्ना किसानों का मामला पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में राजनीतिक तौर पर बहुत अहम माना जाता है। यहाँ के गन्ना किसान लोकसभा से लेकर विधानसभा तक अपने वोटों से दबदबा बनाकर रखते हैं, और शायद यही कारण है कि सत्ता पर काबिज होते ही योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों को लेकर ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।